भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अज्ञात नंबर से कॉल कर धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में सांसद प्रज्ञा ने भोपाल के कमला नगर थाने में केस दर्ज करवाया है। राम मंदिर निर्माण से नाराज व्यक्ति ने सांसद को धमकाने के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अज्ञात नंबर से फोन कर कई बार धमकी दी गई। राम मंदिर भूमि पूजन समेत कई मुद्दों पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयानों से नाराज होकर उन्हें धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने प्रज्ञा ठाकुर के अलावा भाजपा के कई बड़े नेताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। सांसद प्रज्ञा ने कमला नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस फोन पर धमकी देने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की साइबर सेल ने मोबाइल नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कल भी आए, कल रेगुलर कई कॉल आए, जो प्राइवेट नंबर दर्शा रहा था, कभी इंटरनेशनल कॉल दर्शा रहा था, और भयानक गालियां दी, बहुत ही गंदी गालियां, माननीय मोदी जी को लेकर के, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी जी को लेकर के, मुझे लेकर, और राम मंदिर निर्माण को लेकर के, और हनुमान चालीसा के पाठ का जो मैंने आह्वान किया है उसको लेकर, ये सब लेकर के उन्होंने गालियां देना शुरू किया। हाँ, मैंने कमला नगर थाना भोपाल में FIR दर्ज करवाई है। बिदर में लोग ऐसा कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, रेगुलर में फोन पे धमकियां आती हैं और अननोन नंबर से आती हैं, कभी इंटरनेशनल कॉल होता है तो कभी प्राइवेट नंबर से आते हैं, वो तो अपनी पहचान भी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग क्या किसी को डराएंगे धमकाएंगे, हम देश धर्म पर जीने मरने वाले लोग, कभी डरते नहीं। मैं यही कहूंगी कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, तो जो अपना जीवन जन्म लिया है तो अच्छे से जिए और समाप्त हो तो सद्बुद्धि पाएंगे। प्रभु राम जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसे लोगों को अच्छे से सद्बुद्धि दे दें तो जी पाएं, और अगर नहीं जिए तो उन्हें जहां जाना हो जाए, लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।